So here the coverage of the sections will be section 45 to section 55A. Okay, and as we know, the first section will always be the charging section. Okay, अगर आप full attention से capital gains मेरे साथ करते हो, it is going to be very simple. हाँ, मैं मानती हूँ कहीं कहीं थोड़ा complication है. Complication मतलब याद रखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है. कॉम्प्लिकेटेड कैपिटल गेन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे लॉजिकल कुछ भी नहीं है. हाउस प्रॉपर्टी में तो हमको अज्यूम करना है कि वो DLOP होगा, उसका एनुअल वैल्यू कितना होगा. कैपिटल गेन इज क्रिस्टल क्लियर, अपने आंखों के सामने हम वो सिचुएशन विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, यस, सेक्शन 45 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स. माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 45 के चार कंडीशंस हैं. ओके, सेक्शन 45 के चार कंडीशंस हैं. विच आर दे, व्हाट आर दीज फोर कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट्स? यस, द फोर कंडीशंस आर, ओके, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट. हमने अब तक क्या देखा? वी सॉ सैलरी, वी सॉ हाउस प्रॉपर्टी. सैलरी में चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट? तब सैलरी का सवाल आएगा. हाउस प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेज, सेक्शन 22 सेज देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी. फिर आप हमारे सेक्शन, हमारे हेड में झांको. वैसे ही कैपिटल गेन्स क्या बोलता है कि सबसे पहले जिस सब्जेक्ट मैटर की आप बात कर रहे हो, द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट शुड बी अ कैपिटल एसेट. शुड बी व्हाट? अ कैपिटल एसेट. सो द फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट. देन What should happen? इसके साथ क्या हश्र होना चाहिए? इस कैपिटल एसेट को अगर मैंने पकड़ के तिजोरी में रख दिया तो क्या सेक्शन 45 अट्रैक्ट होगा? नो. इस कैपिटल एसेट को अगर मैं ट्रांसफर करती हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, देन कम्स सेक्शन 45. अब ये ट्रांसफर कब होना चाहिए? ट्रांसफर शुड टेक इन द पर्टिकुलर PY, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल. ओके, और ये ट्रांसफर करते वक्त, ये ट्रांसफर करने के बाद देयर शुड बी सम इनकम और लॉस. जब मैं इनकम बोलती हूं तो पॉजिटिव इनकम इज ऑल्सो कवर्ड एंड नेगेटिव इनकम इज ऑल्सो कवर्ड. करेक्ट. ये चार चीजें अगर आप समझ लो अच्छे से, कैपिटल गेन विल बी द इजिएस्ट फॉर यू. ओके, व्हाट आर द फोर कंडीशंस? देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट के साथ क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड. ओके, अब ये ट्रांसफर कब होना चाहिए? जैसे कि हमने देखा, ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कब होना चाहिए? इन द रेलेवेंट PY. करेक्ट. इन द सेम वे ट्रांसफर कब होना चाहिए? इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर. ओके, इन विच वी हैव टू मेक इट टैक्सेबल. अब ट्रांसफर करने के बाद मैंने अगर मजे के लिए ट्रांसफर किया है तो विल इट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 45? नो. इट शुड बी इनकम शुड अराइज मीन्स इट शुड बी फॉर पर्टिकुलर कंसिडरेशन. सीधी बात है ना. अब जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, जब मैं सामने वाले को फ्री में दे रही हूं, माई डियर स्टूडेंट्स, तो विल कंसिडरेशन फ्लो? नो. विल इनकम हैपन? नो. तो उनका क्या कहना है? इनकम होना चाहिए. इनकम कब होगा? जब सामने वाला आपको कंसिडरेशन देगा. ओके, क्लियर. ओके, सो कम ऑन एवरी वन विथ मी. Section 45 speaks about four conditions. It should be a capital asset. Capital asset ka transfer hona chahiye. Transfer should happen in this particular PY and income or loss should arise from this transaction. Okay, fine. No problem. Yes. So now let's move ahead and understand the first condition, that what is a capital asset. I'll write here only. Okay. Yes. हमने देखा कि सेक्शन 45 हमको बोल रहा है कि कैपिटल एसेट होना चाहिए. तो सबसे पहले हमको यह समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एसेट, व्हाट इज कवर्ड अंडर कैपिटल एसेट, व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर कैपिटल एसेट. राइट. ओके, तो अब कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कहां पे दिया गया है? सेक्शन 214 में. सेक्शन 214, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अब सेक्शन 214 क्या कहता है? सेक्शन 214 क्या कहता है, माय डियर स्टूडेंट्स? सेक्शन 14 ने
कैपिटल एसेट का डेफिनेशन तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन 214 बोलता है कि कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स। कुछ चीजें हैं, ओके, मींस, इंक्लूड्स, एक्सक्लूड्स। लिखने की गड़बड़ मत करो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सेक्शन 214, इफ यू आर नॉट एनग्रॉस्ड इन राइटिंग व्हेन आई एम टीचिंग, आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर्स भी याद रहेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू राइट। सेक्शन 214 डिफाइंस कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट डेफिनेशन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, मीन्स, इंक्लूड्स, एक्सक्लूड्स। नाउ वॉट डज कैपिटल एसेट मीन? कैपिटल एसेट मीन माई डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉपर्टी। अब मुझे एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन सुन के आपको किसकी याद आती है? आपको किसकी याद आती है? सर्विसेज की डेफिनेशन याद आती है? कम ऑन, सर्विसेज की डेफिनेशन अंडर जीएसटी आपको याद आया? क्या दिया गया है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज? एनीथिंग जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज। और यहां पर क्या बोल रहा है सेक्शन 214? एनी प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉपर्टी, दिस माइक, दिस कैमरा, दिस रिंग लाइट, दिस टेलीविजन, दिस कंप्यूटर्स, दिस बुक्स, इवन द बुक्स आर कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट्स, राइट? द टेबल, द ऑफिस, एवरीथिंग, ओके, माय वाटर बॉटल, माय एवरीथिंग, माय एसी, माय ग्रीन स्क्रीन, Everything is capital asset. Okay, yes. अब इस capital asset में क्या बोला गया है? Any property means property may be movable. Movable मतलब क्या? Capable of being moved. Right? Capable of being moved. Movable, immovable. हम जब immovable property बोलते हैं, my dear students, we are specially referring to land, building, और लैंड एज वेल एज बिल्डिंग, बोथ। ओके, देन एसेट में भी टैंजिबल। व्हाट इज मेंट बाय टैंजिबल एसेट माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज मेंट बाय टैंजिबल एसेट? एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो अपनी आंखों से देख सकते हैं हम लोग, उसको कहा जाता है टैंजिबल एसेट। ओके, तो ठीक है, मुझे दिख रहा है मेरे पास क्या क्या है, ओके, और मैं देख देख के खुश हो रही हूँ, वो मेरा टैंजिबल एसेट है। पर देयर कैन बी सम इनटैंजिबल एसेट ऑल्सो। इनटैंजिबल एसेट मतलब क्या? मेरे सिखाने का स्टाइल बच्चों को इतना अच्छा लगा कि लेटर ऑन दैट बिकम्स माई एसेट। ओके, लेटर ऑन दैट बिकम्स माई एसेट। अब मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है माई डियर स्टूडेंट्स, क्या ये मुझे मेरी आंखों से दिख रहा है? कैन आई फील इट्स फिजिकल प्रेजेंस? No, even then it is considered as an asset. Okay, मेरा बोलने का मतलब ये है कि tangible asset means physical assets. But जब मैं intangible assets की बात करती हूँ, तो my rights, मेरी जो हक है, will that be a capital asset, my dear students? Absolutely, yes. इतना ही नहीं, कैपिटल एसेट में भी फिक्स्ड कैपिटल और सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट इज मेंट बाय सर्क्यूलेटिंग कैपिटल? हु विल टेल मी? चलो, बेसिक्स को याद करने का टाइम आ गया है हमारे स्टूडेंट्स। यस, हु विल टेल मी? कम ऑन क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Yes, my dear students, I'm waiting. Koi bhi nahi? Have you never come across these concepts? Accounts mein to dekha hi hoga, I'm sure.
ओके यस आई टेल यू वॉट इज मेंट बाय फिक्स एंड वॉट इज मेंट बाय सर्कुलेटिंग. ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल राइट इट हियर समवेयर. से मेरा बिजनेस है, से मेरा बिजनेस है. अब इस बिजनेस में आई हैव अ बिल्डिंग जिसमें मैं से आई हैव अ फैक्ट्री, से आई हैव अ फैक्ट्री, बराबर है. आई हैव अ फैक्ट्री राइट, फिर इस फैक्ट्री में मैं प्रोडक्शन करती हूँ. इस प्रोडक्शन करने के लिए आई हैव रॉ मटेरियल्स. फिर प्रोडक्शन करने के बाद कुछ जो अधूरा छूट जाता है आई हैव WIP. फिर जो कंप्लीट हो जाता है दैट इज फिनिश्ड गुड्स स्टॉक आई हैव. फिर फिनिश्ड गुड्स बेचने के बाद आई हैव डेटर्स, देन आई हैव कैश, राइट. फिर इसके लिए ऑल्सो आई हैव व्हीकल्स, राइट. आई हैव ट्रक्स फॉर डिलीवरिंग द गुड्स, राइट. अब मेरी बात सुनो माय डियर स्टूडेंट्स. ओके व्हेन आई स्पीक ऑफ दिस कैटेगरी लिसन टू मी, इज इट प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली यस. रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड स्टॉक, डेटर्स, कैश, इज दिस माई प्रॉपर्टी? एब्सोल्युटली येस. वॉट डज कैपिटल एसेट से? एनी प्रॉपर्टी. दिस इज नोन एज अ सर्क्यूलेटिंग कैपिटल विच गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड. ओके इट इज सर्क्यूलेटिंग ओके थ्रू आउट, राइट. सो दिस इज नोन एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. इट इज नोन एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. ओके येस. तो क्या कहा गया है सेक्शन 214 माय डियर स्टूडेंट्स? वी आर राइट नाउ गोइंग टू फोकस ओनली ऑन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट इज अ कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 214. व्हाट डज 214 सेज? दैट कैपिटल एसेट डेफिनेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, मींस, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स. व्हेन वी से मींस, इट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. इट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स. दिस प्रॉपर्टी मे बी मूवेबल, दिस मे बी इमूवेबल, इट मे बी टेंजिबल जो हम आंखों से देख सकते हैं, इट कैन बी इनटेंजिबल जो दिखता नहीं है. गुडविल, राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ब्रांड नेम, राइट ब्रांड नेम्स, देन फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, सर्क्युलेटिंग कैपिटल्स, राइट. सर्क्युलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑल आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. मतलब कैपिटल एसेट ने किसी को भी नहीं छोड़ा, कैपिटल एसेट ने किसी को भी नहीं छोड़ा. ठीक है. फिर इंक्लूड्स में क्या आया? मैम अगर मींस में एनी प्रॉपर्टी उन्होंने ऑलरेडी बोल ही दिया है, अगर उन्होंने सबको कवर ही कर लिया है, ओके फिर यहां पे मींस में क्या आया? आई टेल यू मींस में क्या आया. ओके सॉरी इंक्लूड्स में क्या आया आई टेल यू. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सिक्योरिटीज ऑफ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके whether held as investments or stock in trade. Okay, ये point समझने से पहले my dear students, tell me one important thing. मेरे सवालों का जवाब दो. Okay, yes. Now, say for example, PBT. PBT का काम है dealing in shares. PBT का काम है dealing in shares. Okay? This is case one. Case two, PBT ने investment के लिए Reliance के shares लेके रखे हैं. अब बताओ, इसमें से capital asset क्या होगा? और बिजनेस में क्या कवर होगा? PGPP में क्या कवर होगा? कम ऑन सोचो. व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो सोचो. यस व्हेन आई से केस वन माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई से केस वन दैट मींस पीबीटी इज डीलिंग इन शेयर्स. मतलब पीबीटी का काम है शेयर्स में डील करना. शेयर्स में डील करना पीबीटी का काम है. तो शेयर्स में डील करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा इट विल बी कवर्ड अंडर द हेड PGBP. ओके इट विल बी कवर्ड अंडर द हेड PGBP. और पीबीटी जो इन्वेस्ट कर रही है रिलायंस में शेयर्स, इज इट उसका बिजनेस है क्या इन्वेस्ट करना? नो, दैट इज वॉट इट विल बी कवर्ड अंडर कैपिटल गेन्स. ओके यहां तक सिंपल है? बहुत सिंपल है. अब क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में वो समझिए, देन विल कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट.
ओके हाँ, पीजीपीपी का इनकम जो है वो स्लैब रेट से एप्लीकेबल है. ओके स्लैब रेट से एप्लीकेबल है. ओके मतलब 10 लाख से ऊपर इनकम अर्न करना आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो 10 लाख के ज्यादा अगर इनकम होगा तो यहाँ पे टैक्स रेट कितना होता है 30%. बट अगर आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर कि हमने क्या देखा है, हमने देखा है ना डिटेल में अपना टैक्स रेट्स वाला चैप्टर, वहाँ पे हर बार लिखा रहता है स्पेशल रेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, येस और नो, येस और नो. सो हियर इन दिस कैपिटल गेन वी हैव रेट्स ऑफ 10%, वी हैव रेट्स ऑफ 15%, वी हैव रेट्स ऑफ 20%. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आप टैक्सेबिलिटी देखो. हाँ, पीजीपीबी में अगर मेरा इनकम टैक्स होता है तो आई हैव टू डायरेक्टली टैक्स इट एट 30%. बट इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स आई हैव दीज थ्री रेट्स अलॉन्ग विद अदर रेट्स ऑल्सो. ओके येस, अदर 30% भी है यहाँ पे, बट उसके साथ साथ बाकी के रेट्स भी हैं. ओके ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर दोज पीपल हु इन्वेस्ट इन आवर स्टॉक मार्केट्स. ओके उनके पैसे से ही हमारा स्टॉक मार्केट चलता है. ओके हम तो बस मोहरे हैं, हम तो बस क्या है, वी आर जस्ट मोहरे बोलते हैं ना, राइट, वी आर डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ दीज ह्यूज प्लेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. राइट वी आर डांसिंग टू देयर ट्यून्स. तो व्हाट हैपेंस, दीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. ओके उनका काम क्या है, उनका काम ही है शेयर्स में डील करना. लिसन टू मी, उनका काम है शेयर्स में डील करना, अपने शेयर्स इंडिया में जो इंडियन जो कंपनीज है जो लिस्टेड है उनके शेयर्स खरीदना, फिर उनके शेयर्स बेचना. राइट, सो दिस परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स इज डन बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ओके अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने डिसाइड कर लिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने डिसाइड कर दिया कि भाई हमको इंडिया में नहीं पैसे इन्वेस्ट करना, इंडिया में हमको नहीं पैसे इन्वेस्ट करना. ऐसा सुनते ही अपने गवर्नमेंट के पैरों तले से जमीन खिसक गई. क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाला तो इंडियन स्टॉक मार्केट पूरा की पूरा हिल जाएगा, पूरा की पूरा खत्म हो जाएगा. ये गवर्नमेंट को पता था. राइट अपना भले इतने करोड़ का जनता क्यों ना हो, राइट, वी हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, राइट, बट हियर आवर स्टॉक मार्केट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पॉपुलेशन, बट दिस स्टॉक मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन दीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अब उनका कंप्लेन क्या था, सुनो उनका कंप्लेन क्या था माय डियर स्टूडेंट्स. ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंप्लेन ये था, ओके, कि हम क्या करते हैं, वी डील इन शेयर्स. राइट, वी डील इन शेयर्स, मतलब हम शेयर्स का क्या करते हैं, परचेस एंड सेल करते हैं. अब हम शेयर्स का अगर परचेस एंड सेल करते हैं, ओके, तो दिस मींस दिस इज आवर बिजनेस इनकम. तो आपका, सो आवर इनकम यू आर चार्जिंग अंडर पीजीबीपी. अगर आप पीजीबीपी में हमारा इनकम कंसिडर करते हो तो वी हैव टू पे टैक्स एट 30%. हमको शक्य नहीं है, हमको पॉसिबल नहीं है, वी डू नॉट वॉन्ट टू पे सच हैवी टैक्स रेट्स. We do not want to bear this so much of burden, and so Indian government, we are leaving you and going, we are backing off. You take care of your own finances of the country, you take care of your own economy of the country. Okay, government ki neend ud gayi, government ko realize ho gaya tha hum aisa nahi hone de sakte, kuch bhi ho jaye FIIs should not withdraw their money from the share market. Okay, so what did the government say, what did the government come out with a solution? Government boli koi baat nahi FIIs aapko 30% se tax nahi pay karna na, koi baat nahi, aap kam rate pe tax pay karo. So FIIs ne bola wo kaise possible hai, aapne sare darwaze band kar liye hain, koi bhi darwaza aisa nahi hai, nahi to hum already we would have sneaked into that way, right, but koi bhi darwaza nahi hai jisse hum apna tax rate kam kar sakte hain. To government hasi और गवर्नमेंट ने बोला कि माय डियर FIIs, हम अगर आपके इन शेयर्स को कैपिटल एसेट ट्रीट करते हैं, ओके, तो आपको कैपिटल गेन अराइज होगा,
और अगर कैपिटल गेन अराइज होगा तो आपके पास 10% है, 15% है, 20% की ऑप्शंस है टू पे टैक्स, टू पे टैक्स, राइट? तो FIIs खुश हो गए, FIIs खुश हो गए कि ओके कैपिटल एसेट में कवर हो गए तो कोई बात ही नहीं. बट उनका नेक्स्ट डाउट क्या था? बहुत स्मार्ट थे वो. उनका नेक्स्ट डाउट क्या था? आप जो बोल रहे हो गवर्नमेंट, आप बिल्कुल, मेरा मन खुश हो गया, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हमारे FIIs जो है ना, वो क्या है, उनका हम बिजनेस करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, उनका हम बिजनेस करते हैं. हाँ, डेफिनेटली इन्वेस्ट भी करते हैं, पर उनका हम बिजनेस भी करते हैं. अब जो हम उनका बिजनेस भी करते हैं हम, और हम उसको इन्वेस्ट भी करते हैं. तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो कैपिटल एसेट है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं. प्रॉब्लम यहां पे अराइज होगा. तो व्हाट डज द इंडियन गवर्नमेंट से, व्हाट डज द इंडियन गवर्नमेंट से, आप क्यों फिक्र करते हो, आप क्यों फिक्र करते हो? हम प्रोविजन करते वक्त ही इस प्रकार से प्रोविजन करेंगे कि FIIs के शेयर्स, FIIs के शेयर्स, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे वो उसका बिजनेस क्यों ना करते हो, चाहे वो उसका डीलिंग क्यों ना करते हो, जो भी उनका गेन अराइज होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज दिस शेयर्स, दिस सिक्योरिटीज वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स and would be charged under capital gains. Clear, my dear students? Clear, my dear students? Yes? So, इसलिए उन्होंने यहाँ पे includes का एक separate part बनाया है, जिसमें क्या बोला है? Words को समझो. Securities of FIIs, whether held as investments or stock in trade. मतलब अगर उन्होंने invest किया होगा, तो वो वैसे भी property है. But अगर उनका dealing करते हैं, अगर उनका बिजनेस भी होगा, तो चेक करो क्या वो FIIs हैं. अगर वो FIIs होंगे, अगर वो FIIs होंगे, इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस इट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. क्लियर, क्लियर, ओके. अब अगला शब्द उन्होंने क्या बोला है? शेयर्स बोला है कि सिक्योरिटीज बोला है? शेयर्स बोला है कि सिक्योरिटीज बोला है. माय डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड यूज्ड हियर इज सिक्योरिटीज. What is meant by securities? What is the difference between shares and securities? Okay, अब तक my dear students, shares को हम securities समझते थे, securities को हम shares समझते थे, क्योंकि अपना thinking बहुत limited था. Now you have to open your world, my dear students. You are moving towards the next level of your professional life. Okay, you have to open your mind. You have to read a lot of things. आपको knowledge भी gain करना पड़ेगा. It is very simple. मेरे लिए बहुत easy होता, मैं directly आपको बोल देती कि securities of FIIs, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स और SIT और रट लो, बहुत सिंपल था. बट जब आपको लॉजिक पता चलता है तो आप कोई भी चीज कभी भी नहीं भूल पाते. यू विल नेवर फॉरगेट दिस एवर, ओके. यस, तो चलते हैं आगे. जब हम सिक्योरिटीज बोलते हैं, सो वी रेफर टू इक्विटी शेयर्स, वी रेफर टू प्रेफरेंस शेयर्स, वी रेफर टू डिबेंचर्स, वी रेफर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वी रेफर टू यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वी रेफर टू यूनिट्स ऑफ UTI, वी रेफर टू जीरो कूपन बॉन्ड, राइट? सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज, राइट? उसमें से कुछ पार्ट हैं, राइट? जब हम शेयर्स, डिबेंचर्स, ओके, बॉन्ड्स, इनकी बात करते हैं, तो ये सारे, दीज आर ऑल ट्रीटेड एज सिक्योरिटीज, ओके. म्यूचुअल फंड अलग, UTI अलग, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर डिफरेंट, ओके. यस, वाई जीरो कूपन बॉन्ड्स आर डिफरेंट? बिकॉज जीरो कूपन बॉन्ड्स का टैक्सेबिलिटी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, इसलिए उनको हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे ही देखा जाता है, उनको दूसरे बॉन्ड्स के साथ मिक्स नहीं किया जाता, ओके. गेटिंग इट, ओके. यस, तो हमने क्या देखा? एवरी वन विथ मी, कैपिटल एसेट सेक्शन 214 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, मीन्स इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स. Means any property, movable, immovable, tangible, intangible, fixed, circulating. मतलब चाहे वो physical asset क्यों ना हो, चाहे वो right क्यों ना हो, मेरा हक क्यों ना हो, right? It is known as capital asset. Fine. आगे. Includes. It includes securities of FIIs, foreign institutional investors के जो securities है, whether held as investments or stock in trade, will be treated as capital asset. अब excludes में क्या आया? Very interesting. अब एक्सक्लूड्स में क्या आया माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड. अब ये एक्सक्लूड्स में क्या आया, ओके. एक्सक्लूड्स में से अ नॉर्मल बिजनेसमैन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, से अ नॉर्मल बिजनेसमैन, ओके. एक नॉर्मल बिजनेसमैन है,
उसका काम क्या है? ट्रेडिंग. ओके, मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. ओके, हाँ, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स मतलब उसका जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है. ओके, अब ये जो स्टॉक है, ओके, इसको वो बेचता है और प्रॉफिट्स अर्न करता है, करेक्ट. सो इसको बेच के जो प्रॉफिट्स आएगा विल बी कवर्ड अंडर पीजीबीपी. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो. अब आगे, अब ये रोते रोते इनकम टैक्स एक्ट के पास गया और इनकम टैक्स एक्ट के पास बोला, अरे क्यों तूने ऐसा लिखा एनी प्रॉपर्टी, क्यों तूने कैपिटल एसेट में ऐसा लिखा एनी प्रॉपर्टी, मतलब क्या ये स्टॉक, बिजनेस एसेट भी हो जाएगा, राइट, मतलब बिजनेस का पार्ट भी हो जाएगा और क्या ये कैपिटल एसेट भी हो जाएगा. अगर ये दोनों हो गया तो पीजीपीपी में भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा और कैपिटल गेन्स भी टैक्स पे करना पड़ेगा. ये तो सरासर नाइंसाफी है. इधर बिजनेसेस में मार्जिन ही ऑलरेडी इतने कम है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, और अब आप बोलते हो कि पीजीबीपी में भी टैक्स पे कर, सीजी में भी टैक्स पे कर, मैं यहीं पे अपनी जान दे देता हूं, आपको जो टैक्स लेना है मुझे मार के ले लो, राइट. व्हाट डज द इनकम टैक्स एक्ट से? रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन. अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन होगा बिजनेसमैन, सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, यू डू नॉट वरी. अब इसका प्रॉब्लम जेन्युइन है कि नहीं, सीधी बात है ना, एक ही स्टॉक पे आप बोलते हो उसको बेच के प्रॉफिट आएगा, उस पर टैक्स पे करो पीजीबीपी में, और आप एक जगह पे बोलते हो कैपिटल एसेट इज एनी प्रॉपर्टी, टेंजिबल इंटेंजिबल मूवेबल इमूवेबल वट एवर, तो उसको आप कैपिटल गेन्स चार्ज करना चाहते हो, मतलब आप एक ही स्टॉक पे दो बार टैक्स लेना चाहते हो, करेक्ट. ये तो सरासर नाइंसाफी है. तो गवर्नमेंट को लगा सही है, ये जो बोल रहा है बंदा सही बात है, इसका प्रॉब्लम एब्सोल्युटली जेन्युइन है, वी नीड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस. सो व्हाट डिड द इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड? द इनकम टैक्स एक्ट सेज, एक काम करो, पीजीबीपी जो पूरा हेड है ना, वो डिपेंड करता है ये पूरे बिजनेस पे, करेक्ट. तो इसको आप पीजीबीपी में ही कंसिडर करो, इसको, इस पर हम कैपिटल गेन्स नहीं लेंगे, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? सो द फर्स्ट एक्सक्लूजन, माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट इज स्टॉक इन ट्रेड. क्लियर? स्टॉक इन ट्रेड, शॉर्टकट SIT. अब से मैं SIT बोलूंगी. क्लियर एवरीवन? ओके, यस, वेटिंग फॉर योर थम्स अप. यस, सो दैट लेट्स मी नो कुछ आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है. ओके, यस, नेक्स्ट. सो स्टॉक इन ट्रेड. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है. ओके, से माइकल जैक्सन ने एक कॉन्सर्ट में जो जैकेट पहना था, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस जैकेट इज फॉर सेल. ओके, और ये जैकेट जो पैसे कमा सकता है, इमेजिन भी नहीं कर सकते. से इट अर्नड ₹400 crores. इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली पॉसिबल. राइट. एज अगेंस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, से कोई ABC, ओए कोई मिस्टर ए, ओके, कोई मिस्टर ए का जैकेट है, ओके, और वो आपको बोलता है कि आप उसको खरीदो. ओके, आप उसको खरीदो, तो पहले तो आप क्या करोगे? आप तो पहले नाक पे सल आ जाएगा आपके. व्हाई डू यू वांट टू वेयर समथिंग विच समबडी एल्स इज वॉर्न? नंबर वन, करेक्ट. नंबर टू, अगर वो जैकेट की कीमत से, फॉर एग्जांपल, अगर उसने वो जैकेट हजार रुपए में खरीदा है, तो क्या आप इस जैकेट के लिए ₹2000 दोगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट. इसका मतलब है, अगर आपने ये जैकेट खरीदा भी, तो आपको अगर वो इतने कम दाम में दे रहा है तो ही आप खरीदोगे. से फॉर एग्जांपल, उसने ₹300 में दिया. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो उसने ₹300 में दिया. ओके, अब क्या हुआ यहां पे? सो दिस इज व्हाट कॉस्ट एंड दिस इज व्हाट सेलिंग प्राइस. ओके, यस, ठीक है, माइकल जैक्सन पे हम आएंगे बाद में. ओके, सो अगर यहां पे आप देखो तो सेलिंग प्राइस है ₹300 और कॉस्ट है ₹1000. ओके, अब हमको क्या बोला गया? एनी प्रॉपर्टी, मतलब पहने हुए कपड़े भी, एनी प्रॉपर्टी,
इज वॉट कैपिटल एसेट. सो इवन दिस जैकेट इज वॉट कैपिटल एसेट. अगर ये जैकेट कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन का कॉम्प्यूट करना पड़ेगा. अब कितना प्रॉफिट आया इसमें, 300 रुपए को बेचा, 1000 रुपए में खरीदा था, लॉस आया 700 रुपए, लॉस आया 700 रुपए. ओके, ये एक जैकेट का एग्जाम्पल हो गया. ओके, से नेक्स्ट माई मोबाइल फोन. ओके, माई मोबाइल फोन, मैंने वो मोबाइल फोन से फॉर एग्जाम्पल 30,000 में खरीदा था. मैंने वो मोबाइल फोन 30,000 में खरीदा था. अगर मैं बोलूं कि ओके कम प्लीज समबड़ी कम एंड बाय दिस फोन, तो क्या वो इंसान मुझे 30,000 रुपए देगा कि 3,000 रुपए देगा? कम ऑन, विद दिस ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कोई 30,000 रुपए देगा, कोई 3,000 रुपए देगा? चलो बोलो बोलो, 3,000 रुपए देगा. मतलब इसको बेच के भी लॉस आया 27,000 का. बराबर है. तो गवर्नमेंट सोच में पड़ गई कि ऐसी पर्सनल चीजें अगर लोग बेचने लग गए तो एवरीथिंग नॉर्मली, अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, कॉमन सेंस से देखेंगे, तो 99% चीजें तो हमेशा लॉस पे ही बिकेगी. हाँ या ना, लॉस पे ही बिकेगी. करेक्ट. तो अगर ये पर्सनल चीजें लॉस पे बिक रही है और गेन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस लॉस का बर्डन हम क्यों बेयर करें? मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये इफ यू कंसीडर दिस इन माय केस, अगर पीबीटी ने एक लैंड बेचा और उसका से फॉर एग्जाम्पल उसका कैपिटल गेन आया मैम के हाथ में 5,00,000 रुपए. ओके, तो मैम क्या करेगी? वो 5,00,000 रुपए बेचेगी और फिर ये जो पर्सनल इफेक्ट्स है, 700 रुपए का लॉस, 27,000 रुपए का लॉस, राइट, ऐसे सब सेट ऑफ कर लेगी. सो जब सेट ऑफ करेगी, जस्ट एक्सक्यूज मी, ओके, तो 5,00,000 माइनस 700 माइनस 27,000 कम्स टू हाउ मच, 4,72,300. ओके, कहाँ गवर्नमेंट का सपना था कि मुझे 5,00,000 पे टैक्स मिलेगा और कहाँ गवर्नमेंट को एक्चुअली 4,72,300 पे टैक्स मिल रहा है. ओके, राइट. तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इस लॉसेस का बर्डन हम हमारे सर में क्यों झेले? Why should we take this responsibility? हम लोग क्यों इस burden को झेले, इस losses को झेले? इसलिए government ने क्या बोला, government ने इन personal चीजों को capital asset की definition से ही निकाल दिया. मतलब ये losses, अगर ये capital asset ही नहीं है, so there is no question of positive capital gain or negative capital gain, right? तो ये आएगा ही नहीं. इसका मतलब है कि PBT को 5,00,000 पे tax pay करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है, my dear students? Okay, yes. फिर आपके मन में सवाल आता है कि मैम, माइकल जैक्सन का जैकेट तो 400 करोड़ में बिका है, तो गवर्नमेंट अगर इसको गवर्नमेंट अगर 400 करोड़ पे टैक्स लेगी, तो फिर गवर्नमेंट को तो कितना टैक्स रेवेन्यू होगा? बट मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे दुनिया में कितने माइकल जैक्सन हैं, पूरे दुनिया में कितने विराट कोहली हैं, राइट? देर आर बेयरली एनी. बराबर है ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आएंगे और उनका स्टेचर इतना बढ़ेगा, इतना होगा कि लोग उनके लिए इतने पागल हो जाएंगे. करेक्ट. तो इतने हैंडफुल लोगों के लिए अगर हम 130 करोड़ की जनता की पर्सनल एसेट्स का लॉस बेयर करें, तो हमको तो कुछ इनकम होगा ही नहीं टैक्स के रूप में, सबका सब सेट ऑफ में ही चला जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो यहाँ पे करण, यू वॉन्ट मी टू रिपीट इट? आई रिपीट इट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पर्सनल एसेट्स जब हम बेचते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूं कि आप मेरी कार खरीदो, या अगर मैंने किसी को बोला कि आप मेरा मोबाइल फोन खरीदो. मैंने मोबाइल फोन कितने में खरीदा था? 30,000 में खरीदा था. अब मैं अगर किसी को बोलूं कि आप आओ और खरीदो, कोई मुझे 30,000 देगा क्या? नहीं. अगर वो बोलेगा 3,000 रुपए देती हूँ, देना हो तो दो नहीं तो जाओ. करेक्ट. तो मैं 30,000 का फोन 3,000 में बेचूंगी, तो इसमें मेरा लॉस कितना हुआ? 27,000 का, राइट? सो ऐसा जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, दो ऑब्वियसली दीज पर्सनल एसेट्स आर यूज्ड
बायस करेक्ट. तो ऐसे कोई पर्सनल एसेट्स होंगे ओके ऐसे कोई पर्सनल एसेट्स होंगे और इन पे लॉस आता होगा तो गवर्नमेंट क्या बोलता है इस लॉस की जिम्मेदारी हम हमारे सर में क्यों डालेंगे. अगर हमने हमारे सर में डाला तो 5 लाख में से ऐसे लॉसेस अगर सब लोग सेट ऑफ करने लग गए तो हमको तो कितना कम टैक्स मिलेगा राइट हमको तो कितना कम टैक्स मिलेगा. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया इस पर्सनल एसेट्स को डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में ही निकाल दिया. सो यहां पे एक्सक्लूड्स में नेक्स्ट आइटम इज पर्सनल इफेक्ट्स. ओके यस नाउ आई एम नॉट फिनिश्ड माय डियर स्टूडेंट्स. जब मैं पर्सनल इफेक्ट्स बोलती हूं आई एम स्पीकिंग ऑफ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी. पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स ओके हैविंग इंटीमेट कनेक्शन जिसके साथ एक कनेक्शन होता है. जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मम्मी ने अगर क्लास जाते वक्त आपका टिफिन पैक किया तो मम्मी क्या बोलती है अरे डब्बा टप्परवेयर का यहां छोड़ के मत आना अच्छे से लेके आना. ओके अब सोचो अगर आपकी गर्लफ्रेंड को आपका डब्बा अच्छा लगा और अगर आपने उसको बोला कि यार ये टिफिन बहुत अच्छा है मैं लेके जाऊं तो आप क्या बोलोगी मैं दूसरा खरीद के दे दूंगा ये मेरी मम्मी का है राइट. सो देयर इज अ इंटीमेट कनेक्शन. कुछ कनेक्शन हो जाती है अपनी रोज की चीजों से बराबर है ना. हालांकि वो डब्बा 100 रुपए का क्यों ना हो बट उससे कनेक्शन हो जाती है. एवरीथिंग इज नॉट काउंटेड इन द वर्थ ऑफ मनी बट इट इज काउंटेड इन द वर्थ ऑफ द कनेक्शन द इंटीमेसी इट होल्ड्स विद द पर्सन राइट. सो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी ये पर्सनल इफेक्ट्स मतलब क्या पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग इंटीमेट कनेक्शन विद असेसी हिमसेल्फ और हिज फैमिली. अंडरस्टैंडिंग बट अब नेक्स्ट पार्ट अपने को समझना बहुत जरूरी है कि दे आर स्पीकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी. दे आर स्पीकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ये जो पर्सनल इफेक्ट्स है इट शुड बी कैपेबल ऑफ बींग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके मतलब अगर मेरे नाम पे मैं मोबाइल फोन खरीदती हूँ देन इट विल बी ट्रीटेड एज माय पर्सनल इफेक्ट्स बिकॉज इट इज मूवेबल. बट अगर मेरे नाम पे मैंने लैंड खरीदा मैंने बिल्डिंग खरीदा माय डियर स्टूडेंट्स देन विल इट बी कंसिडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट. नो. विल इट बी अ कैपिटल एसेट? यस बिकॉज पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स. पर्सनल इफेक्ट्स आर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट कवर्ड इन दिस डेफिनेशन. क्लियर एवरीवन ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग. थर्ड पॉइंट जो इंक्लूड किया गया है एक्सक्लूजन में वो है एग्रीकल्चरल लैंड. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल लैंड. अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन सेंस से बताओ दैट why at all would wait एक चीज रह गई बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट. मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे तक लेके जाना चाहती हूँ. लेट्स फिनिश दिस पॉइंट एंटायरली देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके तो पर्सनल इफेक्ट्स में हमने क्या देखा कि पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग इंटीमेट कनेक्शन विद असेसी और फैमिली उसका क्या उसको कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट किया जाएगा. तो अगर उसका ट्रांसफर भी होता है तो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं आएगा. ठीक है तो मैंने घर जाते भाग के घर गई और मैंने मम्मी को बोला मम्मी सुन जो भी अपने पास पर्सनल चीजें है ना वो कैपिटल एसेट नहीं है उस पर कैपिटल गेन्स अराइज नहीं होता. तो तूने जो तिजोरी में छुपा के गोल्ड रखा है ना वो सारा बेच देते हैं. आज गोल्ड का रेट एकदम हाईएस्ट पे है पता नहीं फिर से ये रेट छुएगा कि नहीं गोल्ड. ओके तो आप क्या करो सारा की सारा गोल्ड बेच दो. ओके वो गोल्ड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं. माय डियर मम्मा तो उस पर कैपिटल गेन्स आएगा ही नहीं. ओके सो नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स लॉजिकली कॉमन सेंस से आप लोग बताओ. ज्वेलरी की अगर मैं बात करती हूँ राइट ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम डायमंड्स. अब मुझे एक बात बताओ इनका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा कि कभी फॉल? डेफिनेटली होगा राइट पर अगर हम ट्रेंड देखते हैं नॉर्मली सो टेल मी इसका प्राइस इंक्रीज होगा कि इसका प्राइस डेप्रिशिएट होगा? अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा कि इसका प्राइस डेप्रिशिएट होगा माय डियर स्टूडेंट्स कम ऑन इंक्रीज होगा. सी पर्सनल इफेक्ट्स में मेरे पास दो चीजें हैं. एक तो मेरे पास एक मोबाइल फोन है और एक तो मेरे पास एक गोल्ड का चेन है. ओके यस
तो दोनों भी मेरे पर्सनल इफेक्ट्स हैं। अब मैं मोबाइल फोन की बात करती हूँ तो मैं 30,000 का मोबाइल फोन में का कोई मुझे 30,000 नहीं देने वाला है, मतलब इसका प्राइस हमेशा कम होगा, राइट। पर गोल्ड, गोल्ड से फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा ने उनकी शादी के वक्त खरीदा था, तब रेट कितना था पता है? रेट था करीबन कुछ तो 2500 रुपए, राइट। आज वही रेट कितना है? कभी 40,000, कभी 38,000, करेक्ट। तो इसके रेट्स हमेशा इंक्रीज होते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसके रेट्स हमेशा इंक्रीज होते हैं। अब मैं जो बता रही हूं वो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बताया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कि अब तो ये दिक्कत हो गई, गवर्नमेंट सोच में पड़ गई, अगर हम पर्सनल इफेक्ट्स बोलते हैं तो उसमें ज्वेलरी भी कवर होती है, बराबर है, ज्वेलरी भी कवर होती है, पर ज्वेलरी के दाम तो बढ़ते हैं, राइट। तो ज्वेलरी के दाम बढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गोल्ड चेन, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई गोल्ड चेन उन्होंने खरीदा है आज के 10 साल पहले 25,000 में, तो उसका आज अगर बेचने जाओगे तो सेल प्राइस कितनी आएगी? कम से कम 1 लाख तो आएगी, बराबर है ना। मतलब यहाँ पे लॉस होता है कि गेन होता है? ज्वेलरी के केस में हमेशा गेन होता है, राइट। तो गवर्नमेंट की नजर इस गेन पे थी, ताकि वो इस गेन पे टैक्स कलेक्ट कर सके। पर उन्होंने तो बोल दिया है कि पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट, एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब उन्होंने क्या किया है, इस एक्सक्लूजन से फिर से एक्सक्लूजन किया है, दुश्मन दुश्मन दोस्त, सी अंडरस्टैंड। उन्होंने क्या बोला, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि इस कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में हम कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देंगे। इस एक्सक्लूड में उन्होंने पर्सनल इफेक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया, फिर से इस एक्सक्लूजन में उन्होंने कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी, दैट मींस उन्होंने कुछ चीजें फिर से कैपिटल एसेट में के लिस्ट में इंक्लूड कर दी। कौन सी है वो? फर्स्ट ज्वेलरी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ज्वेलरी क्यों? क्योंकि ज्वेलरी का दाम बढ़ता है। जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, राइट, प्लैटिनम, डायमंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। अब जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, तो हमको याद आता है कि हमारी दिवाली में हमारे मम्मा के पास इतने सारे सिल्वर के बर्तन भी हैं, राइट, जिसमें हम खाना खाते हैं हर रोज, हम जिसमें पानी पीते हैं चांदी के ग्लास में, करेक्ट। सो अब आपके दिमाग में आया कि ये यूटेंसिल्स, विल दीज यूटेंसिल्स बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अब हमने क्या देखा, सी अंडरस्टैंड, लिसन टू मी पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। सो पर्सनल इफेक्ट्स को ट्रांसफर करने के बाद कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, बट पर्सनल इफेक्ट्स में से कुछ चीजें छोड़ दी गई है, मतलब उनको कैपिटल एसेट ट्रीट किया गया है। मतलब अगर ज्वेलरी को मैं ट्रांसफर करती हूं तो ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे आता है कैपिटल गेन। ओके, आगे, नेक्स्ट, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ओके, अब ये जो यूटेंसिल्स है ना, सी, सिल्वर के यूटेंसिल्स, चांदी के ग्लास में, चांदी के थाली में खाना खाना, ये बहुत पुरानी अपनी परंपरा है, तो हर किसी के घर में चांदी के बर्तन कुछ ना कुछ तो होता ही है। छोटे बच्चों को हमारे यहाँ पे चांदी के कटोरी में ही दूध पिलाया जाता है, राइट। सो इन दिस केस यूटेंसिल्स, ओके, इन दिस केस माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सिल्वर यूटेंसिल्स जिसमें खाना खाना अलाउड है, ओके, इट इज स्टिल नॉट कैपिटल एसेट, इवन दो इट इज मेड ऑफ सिल्वर। मैं ज्वेलरी, अगर मेरे पास सिल्वर चेन है, अगर मेरे पास सिल्वर के ब्रेसलेट है या कुछ मांग टीका है, तो ये सब कुछ कैपिटल एसेट रहेगा, बट सिल्वर के बर्तन अभी भी हमारे लिए क्या है, वी हैव एन इंटीमेट कनेक्शन विद देम, राइट, वी एंड आवर फैमिली, राइट। सो इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट्स, एंड इफ इट इज पर्सनल इफेक्ट्स सो इट विल नॉट बी कैपिटल एसेट, इवन दो इट इज मेड ऑफ सिल्वर, इट विल नॉट बी कैपिटल एसेट। अगर मैं गोल्ड यूटेंसिल्स बोलती हूँ तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी सोने की थाली में खाना खाया है? ऐसे कहा जाता है कि सोने में खाना खाना जहर खाने के बराबर होता है, डू यू नो दैट? ओके, सो गोल्ड यूटेंसिल्स, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव गोल्ड यूटेंसिल?
एब्सोल्युटली नो. सो इन दैट केस उन्होंने क्या कहा है कि जहां तक सिल्वर के बर्तनों की बात है वो कॉमन प्रैक्टिस है, हर किसी के घर में होता है, राइट, बट किसी के घर में सोने का बर्तन नहीं होता. ओके ओके कोई बात नहीं करण, आप अच्छे मार्क्स से पास करो, मैं आपको गिफ्ट करूंगी. ओके यस. सो गोल्ड यूटेंसिल्स, गोल्ड यूटेंसिल्स आर कैपिटल एसेट बिकॉज इसमें खाना खाना कोई स्वाभाविक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है. तो इसको हम मानेंगे ना कि सपोज फॉर एग्जांपल पीयूषा मैम के पास गोल्ड चेन है और पीयूषा मैम को पता है कि अगर उन्होंने गोल्ड चेन बेची तो वो तो कैपिटल एसेट है, तो उस पर उनको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा. इसलिए पीयूषा मैम ने क्या किया, पीयूषा मैम ने वो सोना पिघलाया और उसको प्लेट के रूप में किया, क्योंकि यूटेंसिल्स तो कैपिटल एसेट नहीं है. पर व्हाट डज द इनकम टैक्स एक्ट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है डोंट बी ओवर स्मार्ट. गोल्ड यूटेंसिल्स रखना इज नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस, इसलिए अगर आप गोल्ड यूटेंसिल्स रखते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. क्लियर एवरीवन, 100%. मजा आ रहा है क्या? ओके सेकेंड उन्होंने जो यहां पे कवर किया है, ओके, दैट इज नथिंग बट आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस. व्हाट इज मेंट बाय आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस? ओल्ड कॉइन्स. कई लोगों को ऐसी आदत होती है, कई लोगों की हॉबी होती है कि वो लोग ओल्ड कॉइन्स संभाल के रखते हैं. आई एम टेलिंग यू माई डियर स्टूडेंट्स जैसे कि When we speak of alcohol, तो लोग क्या करते हैं, आई हैव सीन दिस. जब मैं दुबई गई थी तो आई वॉज एट द दुबई एयरपोर्ट. तो दुबई एयरपोर्ट में थी तो वहाँ पे कस्टम्स की एरिया में थी, राइट. तो कस्टम्स के एरिया में थी तो वहाँ पे मैंने देखा. अभी क्यूरियोसिटी लेवल्स तो पूछो ही मत, पंचायती करना तो पहले से ही पसंद है, राइट. पंचायती करना पहले से ही पसंद है. तो मैं टहल रही थी एयरपोर्ट पे. जब मैं एयरपोर्ट पे टहल रही थी तो कहाँ पे ना मुझे वहाँ पे सुंदर सुंदर बोतलें दिखी. तो मैं सोची कि चलो जाके देखते तो हैं, राइट, देखने में क्या हर्ज है. तो मैं गई आगे तो वहाँ पे लिखा था 12 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड. कि जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है ना वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है. सेम इज द केस विद केस ऑफ ओल्ड कॉइन्स. मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास पुराने कॉइन्स होंगे तो उनको अच्छे से संभाल के रखो. गवर्नमेंट आजकल वो जो 1 पैसे के कॉइन्स, 2 पैसे के कॉइन्स हैं, राइट, इनको अगर आप एक्सचेंज करने जाओ तो आपको हजारों में पैसे मिलते हैं, लाखों में पैसे मिलते हैं, राइट. तो इन ओल्ड कॉइन्स, वाई? बिकॉज दे आर अ सिंबल. वो बोलते हैं ना कि हम वो म्यूजियम में रखने के काबिल होते हैं, राइट. दोज आर रेयर पीसेस. और कई लोगों को रेयर चीजें इकट्ठा करने की बहुत अच्छी आदत होती है, राइट. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्रिजर्व इट्स ओल्ड करेंसी, करेक्ट. तो गवर्नमेंट भी अपने पास कुछ ओल्ड करेंसी प्रिजर्व करके रखना चाहती है. तो कल ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके पास चलते हुए आए और बोले कि अनुष्का प्लीज सेल मी योर ओल्ड कॉइन्स. तो जो 1 पैसे का कॉइन था जो आपने कहीं पर पड़ा हुआ संभाल के रखा है, गवर्नमेंट इज रेडी टू पे यू इवन से 1 लाख रुपीज फॉर इट, राइट. सो ये ओल्ड कॉइन्स की वैल्यू भी हमेशा बढ़ती रहेगी. क्यों? अगर सी लिसन, मेरा हॉबी है ओल्ड कॉइन्स रखना. तो अगर मैं ये ओल्ड कॉइन्स रखूँ तो दीज आर माई पर्सनल इफेक्ट्स, बिकॉज दीज आर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टीज. आई हैव एन इंटीमेट कनेक्शन विद देम. बट गवर्नमेंट क्या बोलता है, रुको पीयूषा मैम, क्या ओल्ड कॉइन्स आर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग देयर वैल्यू? यस. तो अगर आप उसको बेचते हो तो क्या गेन आएगा? आएगा. तो हमको उस पर टैक्स चाहिए, हमको उसको टैक्स चाहिए, इसलिए हम इस ओल्ड कॉइन्स को कैपिटल एसेट बना देंगे. क्लियर एवरीवन. ओके नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स. ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स, याद करो वो मजनू भाई की पेंटिंग कितने में बिकी थी? कौन बताएगा मुझे? यू नो आई एम रेफरिंग टू विच मूवी? कम ऑन, याद करो मजनू भाई की पेंटिंग. कोई नहीं?
25 पेटी की, एब्सोल्युटली यस, ओके वेलकम मूवी वेलकम, याद है अनिल कपूर मजनू भाई, राइट राइट राइट, व्हाट वाज देयर इन दैट पेंटिंग, व्हाट वाज दैट देयर इन दैट पेंटिंग, देखने वालों के नजरिए में होता है पेंटिंग, राइट right? अगर आप लोगों ने इन बड़े बड़े पेंटर्स है, जैसे मैंने तो आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, बट मैंने बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुने, बट एम एफ हुसैन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी गुड राइट वेरी गुड आर्टिस्ट इन दिस फील्ड, बराबर है, यस यस अनुष्का, मजनू भाई की पेंटिंग में था एक डोंकी और एक हॉर्स, राइट right? उसका उसको 25 पेटी मिला था, ओके जोक्स अपार्ट, तो व्हाट डू आई वांट टू से, सी ये जो वर्क ऑफ आर्ट होता है ना, इसको हम वी कैन नॉट मेजर इट, जैसे मोनालिसा, मोनालिसा की उस पेंटिंग में देखा तो क्या है, एक औरत जो अपने पास देख रही है, किसी भी एंगल से देखो तो ऐसा ही लगता है कि शी इज़ लुकिंग एट अस, उस जमाने में उन्होंने उस प्रकार का 3D ड्रॉइंग उसका पिक्चर क्लियर क्रिएट किया था, राइट राइट, तो मैंने हमेशा बोला है, सी व्हेन वी स्पीक ऑफ दीज वर्क्स ऑफ आर्ट, ओके इट इज ऑलवेज वॉट, देखने वाले के नजरिए में उसकी वैल्यू कई गुना होती है, ओके कई गुना होती है, सो दीज ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स, दीज ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स, इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, ओके हमेशा बढ़ती है, सो अगेन गवर्नमेंट की तो नज़र है ना, जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उस पर बेच के गेन होगा, तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, इसलिए उन्होंने इन ड्रॉइंग्स और पेंटिंग्स को भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड कर दिया है, क्लियर एवरी वन, क्लियर एवरी वन, आगे आगे, एंड द नेक्स्ट इज एनी वर्क ऑफ आर्ट, एंड द नेक्स्ट इज नहीं एक मिनट एक चीज रह गई, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स एंड सिक्स्थ इज एनी वर्क ऑफ आर्ट, अब स्कल्पचर्स माय डियर स्टूडेंट्स, ओके ओके स्कल्पचर्स, यू नो व्हाट इज स्कल्पचर्स, जिसको कार्विंग करके हमारे अगर इंडिया इंडियन के जो इंडियन टेम्पल्स, ओके स्पेशली जो साउथ में है, ब्यूटिफुली कार्व, ओके फ्रॉम अ पीस ऑफ वन हार्ड रॉक स्टोन दे प्रिपेयर सच ब्यूटिफुल कार्विंग्स, राइट दे प्रिपेयर सच ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स, ओके इनकी कीमत भी हमेशा बढ़ती है, क्योंकि ना वो लोग रहे हैं ना वैसा कार्विंग करने वाला रहा है, राइट right? ताजमहल को वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्यों, इट्स बिकॉज ऑफ द ब्यूटी इट हैज, इट्स बिकॉज ऑफ क्या, वॉट ब्यूटिफुल मेश हैव बीन ड्रॉन एंड ब्यूटिफुली कार्व्ड ऑन द मार्बल्स ऑफ ताजमहल, राइट राइट, सो स्कल्पचर्स इनकी भी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ओके ऑल ऑफ दीज माई डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज ओके आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, तो अगर अब हम रिवाइज करना चाहे तो क्या आप मुझे बोल सकते हो, कैन यू रिटेन दिस इन योर माइंड, ओके कम ऑन टेल मी, कैपिटल एसेट का कैपिटल एसेट डिफाइन कौन से सेक्शन में किया गया है, 214, ओके या व्हाट डज द सेक्शन व्हाट द डेफिनेशन सेज, मींस includes excludes, means includes excludes, means any property, any property, movable, immovable, tangible, intangible, fixed, circulating, all kinds of properties are capital assets. Isme include kisko kar diya gaya hai, securities which are held by FIIs, even if they are held as investments, or if they are held as stock in trade, then it would be treated as what, my dear students, it would be treated as capital asset. अब इसमें से कुछ एक्सक्लूजन्स कर दिए गए हैं, दो एक्सक्लूजन्स अब तक हमने देखे हैं, फर्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, ओके फर्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, एंड सेकंड है पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स मींस पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग इंटीमेट कनेक्शन विद असेसी और हिज फैमिली, ओके इस एक्सक्लूजन में फिर से एक्सक्लूजन कर दिया गया है, मींस दीज एक्सक्लूजन्स विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट इन सिंपल लैंग्वेज, ओके ज्वेलरी ओके अगर आप ज्वेलरी विल इट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, यस अगर आप इसका ट्रांसफर करते हो कैपिटल गेन आएगा, अगर मैं अपना मोबाइल बेचती हूँ ओके तो कैपिटल गेन आएगा क्या, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मोबाइल कैपिटल एसेट है, मोबाइल इज माई पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, सो इज इट अ कैपिटल एसेट, नो इस एक्सक्लूजन के बॉक्स में आता है क्या, नहीं आता, अगर आया तो कैपिटल एसेट, नहीं आया तो नहीं आए, नॉट अ कैपिटल एसेट, ओके यस
Okay, so personal effects. Now the next point that we are going to see in exclusion is agricultural land. Is agricultural land, my dear students. Okay? Yes, agricultural land. अब मुझे बताओ common sense से कि क्यों government agricultural land को exclusion में लाना चाहता है? क्यों? Yes, just 1 minute, I'll have a water break. Yes, तब तक I'm listening to your answers, my dear students. Yes, anyone, my dear students. चलो, क्यों agricultural land को government ने capital asset में से हटा दिया है? Agricultural land को government ने इसलिए हटा दिया है, my dear students. Agricultural land is a property of farmers, right? और government नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से भारत के किसान पे कोई भी प्रकार का pressure आए. इसलिए agricultural land को उन्होंने capital asset की definition से exclude कर दिया है. फाइन, ठीक है, समझ में आ गया मैम कि उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है. ओके ओके, पर ये एग्रीकल्चरल लैंड हम किसको कहेंगे, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, यस यस, नाउ आई डू वन थिंग, आई राइट इट हियर ओनली इन द मेन चैट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेक दिस डाउन. ओके, yes, so what is meant by agricultural land? What is meant by agricultural land? See, understand my dear students. Understand, land kahan pe rehti hai? Kisi jagah mein rehti hai, right? Right, every particular place in India has a municipality, right? Has a municipal authority or cantonment board. करेक्ट. अब म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड की एक हद होती है. जैसे कि हम एक एक छोटे से शहर से, राइट, एक फ्रॉम वन सिटी वी आर ट्रैवलिंग टू वन प्लेस टू अलग प्लेस. ओके, तो दूसरे जगह में जाते ही ओके देयर इज अ बोर्ड, राइट, लिखा रहता है वेलकम टू सो एंड सो प्लेस. बराबर है? मतलब क्या, एक जगह की हद खत्म हो गई और दूसरी जगह की लिमिट स्टार्ट हो गई, राइट. सो हियर व्हाट इज बीन टोल्ड कि अगर ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी या ऐसा कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी का लिमिट है, ऐसा कोई म्युनिसिपैलिटी का लिमिट है, और अगर इस लिमिट के अंदर, इसके बॉर्डर के अंदर जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है, इफ दिस पॉपुलेशन इज, माय डियर स्टूडेंट्स, उनका क्या कहना है कि अगर इसका पॉपुलेशन 10,000 से कम होगा, मींस 9,999 तक होगा, then in that case it will not be an agricultural land. It will be a rural agricultural land, my dear students. It will be a rural agricultural land. Okay, now I want you to take this down here, so I'll just make a certain change. Wait, main yahi pe explain karungi. ओके, सो एक्सक्लूजन में हम लोग स्पेशली लिखेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. ओके, मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगी. लिसन टू मी, मतलब अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से कम होगा और अगर आपकी लैंड उस पर्टिकुलर म्युनिसिपालिटी के लिमिट में है, अगर आपका लैंड उस म्युनिसिपालिटी के लिमिट में है, देन इट इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट बिकॉज सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कहा है कि यस, उन्होंने क्या कहा है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हम एक्सक्लूड कर देंगे कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में. इसका मतलब है एग्रीकल्चरल लैंड इज ऑफ टू टाइप्स, रूरल एंड अर्बन. अब ये रूरल और अर्बन हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में? रूरल मींस व्हाट जो विलेजेस से रिलेटेड होता है, अर्बन मींस व्हाट जो सिटी से रिलेटेड होता है. अब सिटी विलेज है कि
सिटी है, ये किस पर डिपेंड करता है, उसके वहाँ के रहने वाले पॉपुलेशन पे, वहाँ के डेवलपमेंट पे डिसाइड होता है. सी नाउ से फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्लेस, ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, ओके एक जगह है, हर जगह की म्यूनिसिपल लिमिट्स होती है. ओके अगर इस जगह का पॉपुलेशन, अगर इस जगह का पॉपुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स, इफ इट इज लेस देन 10,000, नॉट इवन इक्वल टू 10,000, देन अगर यहां पे कोई लैंड रही, यहां पे कोई लैंड रही, एग्रीकल्चरल लैंड रही, ओके देन इट विल बी ट्रीटेड एज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपने बेचा तो कैपिटल गेन नहीं आता. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है एवरीवन? ओके अब आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मैम, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट है, बराबर है ना, तो इस पे कैपिटल गेन आएगा, ये कैपिटल एसेट है. तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या है. आई टेल यू व्हाट इज मेंट बाय अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. इसका ऑपोजिट मींस इफ देयर इज अ प्लेस, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ प्लेस और यहां पे अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर इसका पॉपुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स इज मोर देन और इक्वल टू 10,000, इज मोर देन और इक्वल टू 10,000 माय डियर स्टूडेंट्स, देन इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. एंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज ऑलवेज अ कैपिटल एसेट, और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपने बेचा तो कैपिटल गेन विल अराइज. ओके इसके साथ साथ अगर ये पर्टिकुलर म्यूनिसिपालिटी का एरिया है, ओके और आपका एग्रीकल्चरल लैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ओके एंड योर एग्रीकल्चरल लैंड एंड इफ योर एग्रीकल्चरल लैंड माय डियर स्टूडेंट्स इज हियर आउटसाइड द म्युनिसिपालिटी लिमिट्स, ओके दिस इज इनसाइड, ओके इफ योर्स इज आउटसाइड द म्युनिसिपालिटी लिमिट्स तो उनका क्या कहना है. 5 मिनट्स, लेट मी फिनिश दिस देन आई स्टॉप, लेट मी फिनिश दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके तो उनका क्या कहना है माय डियर स्टूडेंट्स, उनका क्या कहना है कि यहां से 2 किलोमीटर का तक का डिस्टेंस, यहां से 2 किलोमीटर का तक का डिस्टेंस अगर पॉपुलेशन यहां से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख, ओके अप टू 1 लाख, देन इट विल बी वॉट माय डियर स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा अगर होगा तो आपको इट विल बी एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. आगे फिर से 6 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो इट शुड बी वॉट मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख, और आगे अगर आप 8 किलोमीटर तक गए मतलब योर वॉट इट शुड बी मोर देन 10 लाख रुपीज. पॉपुलेशन, व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज पॉपुलेशन शुड बी मोर देन 10 लाख. इफ येस इट विल बी ट्रीटेड एज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट माय डियर स्टूडेंट्स. क्लियर एवरीवन? ओके यस. तो अभी तक अपना एक छोटा सा पॉइंट बाकी है इसमें. ओके एक छोटा सा पॉइंट, द लास्ट पॉइंट हियर इज स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, स्पेशली गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम, गोल्ड बॉन्ड्स. क्यों? क्योंकि जब हम गोल्ड डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गोल्ड को इम्पोर्ट करना पड़ता है. राइट. बट गोल्ड, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि गोल्ड की कीमत बढ़ बढ़ के उसकी कीमत कितनी बढ़ेगी, पर वो गोल्ड लेके आप हमारे पास आओ, इसके अगेंस्ट हम आपको गोल्ड बॉन्ड्स देंगे.